या 39 नंबर जो शादी के बंधन में जोरदार डांस होते माझी टीम रेडी झाली आहे कल्याणी आई एम रेडी आता बघूया कल्याणी कोणाला घेऊन जाते ये pavitraviwaha.com जो कंपनी है जो लास्ट 42 ईयर से चल रही है कुलकर्णी फैमिली को रन कर रही है ये रिश्ते जमाने का जो काम है 42 सालों से बहुत ही कंपनी मैच्योर्ड है और वो लोगों के शादियां जमाने के लिए रिश्ते जोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो हम करते हैं तो वैसे ही एक हमारा ये इनिशिएटिव है महाराष्ट्र विवाह महोत्सव इसमें क्या है कि हमने 3 दिन का ये प्रोग्राम शिवाजी पार्क में रखा हुआ है यहाँ पे देखो सामूहिक विवाह वो भी हमने कल रचा है सामूहिक विवाह के साथ में जो लोगों के गानों की महफिल होती है संगीत का कार्यक्रम होता है वो भी हुआ आखिरी में जितनी सक्सेसफुल जोड़ियाँ हैं कमर सेलिब्रिटी कपल्स तो उनका भी हमने कल से ये 3 दिन कंटिन्यू रहेगा उनके लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी अब लाइफ में अप डाउन क्या ले तो नए जो रिश्ते बनते हैं उनको वो एक मोटिवेशनल ये भी मिलते हैं मैसेजेस मिलते हैं ऐसा है आज ये सेकेंड मैरिज के लोग जो आए हुए हैं ये उनका सेकेंड इनिंग खेलने के लिए देखा है मतलब क्या है कि अभी पहले तो रिश्ते बने नहीं है जो उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अभी वो सेकेंड मैरिज के लिए उनको मोटिवेट कैसे करना है और उनको लाइफ में अच्छा साथीदार कैसे मिलना है इसके लिए हमारे एफर्ट्स हैं अभी 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो रिश्ता देखने के लिए तो उनको हम कॉपरेट भी कर रहे हैं और उनको हमारे सभी जो वॉलंटियर्स हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं ऐसे सिलसिला हमारा चलते रहेगा ऐसे इवेंट्स हम बार बार अलग अलग तालुका में उसमें हम महाराष्ट्र के करेंगे और रिश्ते जोड़ने का काम करते रहेंगे सॉरी ये जो अभी हाल ही में मोदी जी ने ये जो किया था कि वेडिंग इंडिया का जो नारा दिया है तो हमने उसे बहुत हम तो क्या कि इसी काम में 42 सालों से हैं तो जो मोदी साहब ने जो दिया वेडिंग इंडिया का नारा वो बहुत ही अहम है और उसको हम देते हुए ये कार्य कर रहे हैं तो अभी आप बोल रहे हो कि पूरे महाराष्ट्र से लोग हैं यहाँ पे लेकिन जैसे जैसे ये मैसेज आगे जाएगा तो हर इस साल हर माह पूरे देश में अपना ये होते रहेगा अवेयरनेस होगा अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र से जैसे अनमैरिड जो लड़के लड़कियाँ हैं महाराष्ट्र की जो इंटरकास्ट है जिनको कास्ट नो बार है उनका ऐसा ही एक गेट टुगेदर होगा जिसे हम मेड़ावा कहते हैं मराठी में वो होगा उसके बाद में साइकोलॉजिकल जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है वो उनको गाइडेंस करेंगे और हमारे महाराष्ट्र में एक हल्दी करके एक इवेंट होता है वो जो हल्दी का बहुत अभी फेमस है सभी यूथ में तो वो सेलिब्रेट करने के लिए क्रेटेक्स करके एक डीजे आ रहा है इंटरनेशनल डीजे उसके उसका 2 घंटे का प्रोग्राम है वो होगा तक वैसे भी वेडिंग इंडिया के अंतर्गत जो जो चीज़ इंडिया में बनती है तो वो हमारे जो स्टॉल ओनर्स हैं उनके उनके जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे फैशन शो में दिखाए जाएंगे एक अनोखा ऐसा फैशन शो हो रहा है जिसमें ये हमारे स्टॉल होल्डर्स के प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे प्लस एक ब्लू कलर्ड फैशन शो हमने रखा है जैसे होता है कि जो जिनकी वजह से वेडिंग इंडस्ट्री चल रही है जैसे हो गया कुक हो गया भटजी हो गए सेनई वाला हो गया मेहंदी आर्टिस्ट हो गए हम जैसे मैट्रिमोनियल सर्विसेज हो गए ऐसे बहुत से ब्रास बैंड वाला होगा टेंट बांधने वाला होगा उनका एक फैशन शो हमने रखा है ताकि उनकी वजह से ही ये वेडिंग इंडस्ट्री है और उनकी वजह से ही हम शादी का जो माहौल बना पाते हैं तो उनका एक अलग से फैशन शो होगा ऐसी चीज़ें कल होगी और बहुत सारे कल तकरीबन 400 लोग मेड़ावा के लिए आ रहे हैं तो एक अच्छा इवेंट है तीन ही दिनों से अच्छा है देखिए मतलब अभी शादी करना या तो शादी का एक थोड़ा सा बहुत ही चूजी हो रहे लोग तो शादी के लिए आप मतलब रिश्ते परफेक्ट मैच करना हम चाहते हैं तो आपको जिसको भी जो शादी करना चाहते हैं तो वो हमारे से pavitraviwaha.com पे वेबसाइट पे जाएं और अपना नाम फ्री में रजिस्टर करें और वैसे भी आज कल के इवेंट के लिए यदि आप आना चाहते हो आज शाम को कल पूरे दिन तो आप ज़रूर शिवाजी पार्क में आएँ महाराष्ट्र विवाह फेस्टिवल जो चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और इन्जॉय करें और हमारे यहाँ जो मैसेज देना चाहते हैं हम एक्चुअली हमारे कंपनी का जो मोटो है भारत की अगली पीढ़ी सक्षम सुदृढ़ और सुसंस्कृत बनाना है
तो उस वे पर हम काम करते हैं। तो आप ये मैसेज लेने जरूर आए। प्लस हम बोलते हैं कि लग्न और राष्ट्र विकास मीन्स शादी और राष्ट्र विकास कैसे होता है, तो हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप जरूर जरूर सभी आएँ और हम इंजॉय करेंगे। खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं, आप सभी आए हम मिल के इंजॉय करेंगे। थैंक यू। मैं प्रणव प्रदीप बारगोड़े मीरा रोड से हूँ। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और उसके बाद में अब BHTMS इन HR। हाँ हाँ अच्छी वाइफ मिले जो घर वालों से और सबसे मिल के रहे। उनका अच्छा इनिशिएटिव है और बस अच्छे कर रहे हैं। मराठी चालेल ना। हाँ ही खूप चांगली वेबसाईट आहे, म्हणजे मॅट्रिमोनी हे आहे ज्याचे बरंच त्यांनी आज पण त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे हा इव्हेंट ऑर्गनाईज केला आहे सगळ्यांसाठी आणि आय फील इट रिली हेल्प मी। बघू होपफुली काही म्हणजे चान्सेस असतील तर, बट ओव्हरऑल आय फील इट्स अ व्हेरी गुड साईट हेल्पिंग म्हणजे सगळ्या कम्युनिटीला आणि सगळ्यांना टू गिव्ह दॅम सेकंड चान्स ॲज वेल ॲज ज्यांना कोणाला फर्स्ट चान्स हवा असेल। बट या अँड आजचा पण इव्हेंट खूप चांगला केला आहे त्यांनी। सो आय वुड रिली आस्क पीपल टू रजिस्टर ऑर बिकम अ मेंबर आणि होपफुली इट हेल्प्स एव्हरी वन। थँक यू। मी असा पार्टनर बघते जो खूप केअरिंग, लॉयल, ऑनेस्ट असेल, ज्याला म्हणजे फॅमिली ओरिएंटेड आहे किंवा ऑफकोर्स करिअर ओरिएंटेड टू आणि ॲज आय सेड अर्लियर ऑल्सो सपोर्टिव्ह आणि ज्यांना पर्सनल आणि प्रोफेशनल लाईफ बॅलन्स करता येईल। थँक्यू। माझं नाव बिपिन शामकांत बांदिवडेकर। माझा जन्म इकडे शिवाजी पार्क सेना भवनच्या समोरच झाला। माझं शाळा कॉलेज वगैरे सगळं इकडे मुंबईतच आहे। मी स्वतः मी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर होतो, झालं माझं पूर्ण। त्याच्यानंतर मला जॉब मिळाला गव्हर्नमेंटचा जॉब मिळाला मला। BHTMS मी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर होतो। सगळे लाईट बिट सगळे आमच्या कंपनीतर्फे लागलेले आहे आणि आता सध्या मी एन्जॉयबल लाईफ पवईला 2 BHKचा स्वतःचा माझा फ्लॅट आहे। माझी मिसेस 2021 वारली आहे नेमके, त्याच्यामुळे आता 3 वर्ष तसं काढून बघितलं मी। पण पुढे आपल्याला ॲज अ क्रिकेटर असल्यामुळे मी सांदेशनचा क्रिकेटर होतो, त्यामुळे मला पूर्ण 100 आपल्याला क्रॉस करायचं आहे मला। तर अजून 35 वर्ष बाकी आहे, 35 वर्ष साथ देणारे कोणतरी एखादी पाहिजे, बाकी काय नको। एक्सपेक्टेशन पैशा विषयाचं काय नाही आहे, पुढची 35 वर्ष आमच्यात मस्त गेली पाहिजे एवढं फक्त मला बाबा एम आहे मेन। बाकी तिकडे सिंधुदुर्ग गेला मालवणच्या समोरच आमचे भरपूर मोठे हॉटेल एवढे बांधणे एवढी जागा वेगळ्या आहे सगळे, बाकीचं लाईफ एन्जॉय करण्यासारखं माझ्याकडे भरपूर आहे। लेट्स सी काय होईल ते होईल, बघूया। थँक्यू गॉड इज बेस्ट।